भाजपा पार्षद देवनारायण चंद्राकर को अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अनुशंसा पर उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्ग जिला भाजपा में नई नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि दुर्ग जिला भाजपा संगठन की अनुशंसा पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा दुर्ग नगर निगम पार्षद देवनारायण चंद्राकर को उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के साथ साथ भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में देवनारायण चंद्राकर का अभिनंदन कर इस नए पद के लिए उन्हें बधाई दी गई। इस संबंध में देवनारायण चंद्राकर ने बताया कि वो कई वर्षों से भाजपा में कार्य कर रहे हैं, आगे भी वह इस पद के नेतृत्व को बखूबी निभाएंगे और पार्टी हित के लिए कार्य करेंगे। ये जिस तरह से हमारे पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता भी हूँ और नगर निगम के बारे में दुर्ग शहर के बारे में मुझे 20 साल से अनुभव है, मैं पार्टी नेतृत्व को विश्वास दिलवाता हूँ कि पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और नेता प्रतिपक्ष कार्य निभाने के लिए मैं सक्षम हूँ और कार्य बखूबी निभाऊंगा और पार्टी के नेतृत्व में ही काम करूंगा, ऐसे मैं सोचता हूँ। देखिए, मैं तो पहले पार्टी के पार्षद के रूप में था, आज मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है नेता प्रतिपक्ष का, उपनेता प्रतिपक्ष का। मैं 2-4 दिन के अंदर मैं पूरे 60 वार्ड में भ्रमण करने की तैयारी कर रहा हूँ और जनता के अनहित में जो कांग्रेस के लोग लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसको उजागर करने के लिए मैं और पूरे पार्षदों के साथ और नेता प्रतिपक्ष के साथ में उतरने वाला हूँ। अब आगे समय बताएगा कि हम कितने घेर सकते हैं कांग्रेस को, हमारी तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।